आप देख रहे हैं नेशनल वॉच खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश को अपार संभावनाओं वाला प्रदेश समझकर जानी मानी सभी प्रमुख कंपनियां राजधानी लखनऊ का रुख कर रही हैं। हम लगातार आपको बड़ी कंपनीज की खबर दिखा रहे हैं। दोस्तों, HDFC सिक्योरिटीज अगले साल अपने 25 साल पूरे करने जा रही है और निवेश की दृष्टि से, फाइनेंस की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के ऊपर HDFC सिक्योरिटी की बहुत खास नजरें हैं। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे उन्मेष शर्मा, जो हेड है इक्विटीज के, उन्होंने नेशनल वॉच से खास बातचीत करते हुए HDFC सिक्योरिटी के नए प्लान्स के बारे में बताया और बताया कि किस तरीके से 25 साल का अनुभव अब कंपनी उसको किस तरीके से विस्तारित रूप देने जा रही है। तो दोस्तों, जो लोग इस तरीके की सिक्योरिटीज में और इस तरीके के निवेश में रुझान रखते हैं, उनके लिए आज ये एक बहुत बड़ी खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से दिखा रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं हेड इक्विटीज उन्मेष शर्मा जी से। सर, HDFC सिक्योरिटीज को अगले साल 25 साल पूरे हो गए, तो 25 साल का सफर कैसा रहा, कहां से शुरू किया था और आज कहां तक? तो एक बहुत कमाल की चीज है कि इतने सारे पुराने बैंक होने के बावजूद आज HDFC इंडिया का मार्केट कैप में सबसे लार्जेस्ट बैंक है और HDFC सिक्योरिटीज इतना इस स्केल पे पहुंच गया है। इसका क्या है, जो तीन बड़े पिलर हैं हमारे, वो है, एक है ट्रस्ट, हमारी इंटेग्रिटी बहुत हाई है। सेकंड है कि जब भी हमारे पास कोई आता है तो हमारा रिसर्च बैक्ड जो एडवाइस होता है लोगों को, उसके बेसिस पे लोग इन्वेस्ट करते हैं और इसीलिए वो हमारे साथ भी रहते हैं। सर, HDFC स्काई फाइनेंस सेक्टर में उत्तर प्रदेश में क्या संभावनाएं देख रहा है? उत्तर प्रदेश एक हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा देश है और इसका जो डेमोग्राफी है वो इतना स्ट्रांग है और जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है वो इतना स्ट्रांग है, पॉलिसीज जो हैं वो इतनी सपोर्टिव हैं कि ऐसा लगता है कि अगले 5 से 10 साल तक वो पूरा का पूरा सिर्फ स्टेट को ही नहीं, पूरे देश को भी ड्रैग कर सकता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। सर, HDFC स्काई ने कुछ मोबाइल एप्स भी लॉन्च किए हैं, सर वो कौन कौन से ऐप हैं और कैसे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है? सो HDFC सिक्योरिटीज में दो प्रॉपर्टीज हैं, एक है हमारा इन्वेस्ट राइट ऐप जो है, विच इज द फुल सर्विस ऐप जिसमें आप फोन करके भी ऑनलाइन वगैरह ट्रेड कर सकते हैं, और हमारा एक लाइट ऐप है जिसको आप कह सकते हैं जो हमारा लो कॉस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वो है HDFC स्काई। इन दोनों चीजों में एक चीज आप देखेंगे कि हमारे रेट जो हैं वो सबसे नीचे हैं और हर चीज में जब हम आपको एडवाइस देते हैं तो आप वो रिसर्च बैक्ड है, हमारी दो बहुत बड़ी रिसर्च टीम है बॉम्बे और अहमदाबाद में, उनके इनसाइट्स के बेसिस पे हम आपको एडवाइस करते हैं कैसे ट्रेड करना है। सर, आने वाले समय में HDFC स्काई क्या क्या चीजें प्लान कर रहा है? सो अभी जो प्राइमरी फोकस है वो ये है कि कस्टमर्स एक्विजिशन हो रहे हैं इस समय हमारे पास ऑलमोस्ट 2 लाख कस्टमर है जो एक्टिव है प्लेटफॉर्म पे, उनके फीडबैक के बेसिस पे हम उनको तीन बड़े प्रोपोजिशन है जो देते हैं और वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रहे हैं। सबसे पहला है इनोवेटिव प्रोडक्ट जैसे स्टॉक SIP, सेकंड है रिसर्च बैक्ड एडवाइस, तो आपके ऐप पे ही आपको अलर्ट्स आते हैं आपके पोर्टफोलियो के ऊपर, और तीसरा जो है वो है MTF, तो आपको आपके पास अगर कोई लॉन्ग टर्म हाई क्वालिटी स्टॉक्स हैं तो आप उसको लेवरेज करके भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर, बैंकिंग या फाइनेंस सर्विसेज या हेल्थ सर्विसेज को लेकर के भी कुछ प्लानिंग्स हैं, कुछ चीजें चल रही हैं? सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ये देखेंगे कि HDFC सिक्योरिटीज का जो ऐप है वो आपका एक कंप्लीट वेल्थ प्लेटफॉर्म हो जाएगा। धीरे धीरे इसमें आप सारे बैंकिंग सर्विसेज भी एक्सेस कर पाएंगे, जिससे कि आपको खाली HDFC सिक्योरिटीज ही नहीं, HDFC के ग्रुप के सारे कंपनीज को एक्सेस एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल पाएगा। सर, इस सेक्टर में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की बहुत चर्चा होती है, तो सर कैसे उसको देखते हैं? सो इस समय जो आप देखेंगे कि रिलेटिव वैल्यूएशन जो है इस समय और जो वैल्यूएशन हो गया है पूरे बाजार में, उसके हिसाब से हमारा वाइल मॉडल पोर्टफोलियो जो है वो मल्टी कैप है, लेकिन धीरे धीरे हमारा जो वेट है वो लार्ज कैप की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके अंदर अगर आप लार्ज बैंक्स देखेंगे तो उसमें हमने वेट बढ़ाया है अपने मॉडल पोर्टफोलियो में, और कंज्यूमर स्टेपल्स जो FMCG कंपनीज है उसमें हमारा फोकस ज़्यादा बढ़ा है।
तो दोस्तों देखा आपने, जो लोग स्टॉक एक्सचेंज या जीरो ब्रोकरेज की तलाश में रहते हैं, फाइनेंस की सर्विसेज को देखते रहते हैं, उनके लिए एचडीएफसी सिक्योरिटी ने आज एक बड़ी घोषणा राजधानी लखनऊ से कर दी है। वित्तीय संभावनाओं वाला प्रदेश धीरे धीरे बन रहा है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां लगातार देखते रहिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।